बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी मास्टर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं वकार गुजर। मौजूद नाज़रीन, जिस तरह मैं अपनी पिछली वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि इस चैनल को YouTube पे लॉन्च करने का मेरा जो एक ही मकसद है वो है कि मार्केट और एंड यूज़र के दरमियान जो एक गैप है उसे मिनिमम करने की कोशिश की जाए। तो उसे आई कांट इरेडिकेट, बट वट वी कैन डू, वी कैन मिनिमाइज द गैप बिटवीन एंड यूज़र एंड मार्केट। तो वो इसी सूरत में मुमकिन है जब आप मार्केट के साथ इन टच रहें। तो क्लाइंट के लिए तो ये पॉसिबल नहीं, लेकिन डीलर चूँकि हर टाइम मार्केट में मौजूद होता है और वो इस गैप को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकता है। मेरा मानना है कि क्लाइंट और डीलर जो है उसके दरमियान जो ट्रस्ट का एक बॉन्ड है वो बहुत ज़रूरी है। अगर क्लाइंट और डीलर के दरमियान ट्रस्ट पैदा नहीं हो पाता तो वो कोई भी डील जो है इन अ पॉजिटिव वे वो अंजाम नहीं दे सकते। तो प्रॉपर्टी की बातें तो इस चैनल से हमेशा होती रहेंगी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह तमाम क्रेडिबल जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके साइट विज़िट और हकायक पर मबनी मालूमात भी इस चैनल के थ्रू आप तक शेयर करता रहूँगा। जिस तरह किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट या कमर्शियल प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि एक जो डीलर है, एजेंट है, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में आपको हर तरह के डीलर से वास्ता पड़ सकता है। इसी तरह अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मैंने एमएस इन आईटी किया है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। माय स्पेशलाइजेशन वाज सिस्टम एनालिसिस एंड देन आई डिड माय जॉब देयर फॉर 2 इयर्स, देन आई केम बैक इन पाकिस्तान ड्यूरिंग कोविड। तो चूंकि यहाँ वापस आने के बाद जो है मैंने अपना जो है बिज़नेस करना चाहता था, बट कोविड की वजह से वो मैं नहीं कर सका। फिर मैंने गांव में एक डेयरी फार्म बनाया क्योंकि एक ज़िम्मेदार घराने से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, तो इसी बुना पर जो है वो मेरे लिए फिजिबल था, तो मैंने डेयरी फार्म बना लिया। तो उसके बाद प्रॉपर्टी में जो है शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने प्रॉपर्टी की फ़ील्ड को ज्वाइन किया। जब प्रॉपर्टी की फ़ील्ड को मैंने ज्वाइन किया तो मैंने इसमें बहुत सी बातें सीखी मार्केट में बैठ के, और अपनी ख़ुद की भी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की और मार्केट में बैठ के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अपने उस एक्सपीरियंस की बेस पे जो मैंने मार्केट से सीखा, तो चूँकि YouTube पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाते हैं, तो मैंने भी अपना एक चैनल बनाने का इरादा किया। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा, आज मैं जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है वो है वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट। तो चूँकि प्रॉपर्टी की फील्ड में क्लाइंट और डीलर जो है वो एक दूसरे के साथ लाजमो मलजूम समझे जाते हैं, क्योंकि किसी डीलर के बग़ैर आप जो है एक अच्छी प्रॉपर्टी को सर्च नहीं कर सकते, उस तक आपकी एक्सेस आसान नहीं होती। आपको एक डीलर को इन्वॉल्व करना पड़ता है क्योंकि मार्केट में बैठे डीलर के पास आपके बजट के ऐन मुताबिक बेपनाह ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अब इसी तरह मार्केट में डीलर्स के डिफरेंट इमेजेस होते हैं, डिफरेंट लोग जो है डीलर को कुछ बुरे लफ्ज़ों में याद करते हैं, कुछ अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, इसी तरह डीलर की क्रेडिबिलिटी चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के हिसाब का रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि उसने कितने कामयाबी से डिलीवर किए हैं, आया कि वो अपने जो है कॉल पे कायम हैं, वो विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं या नहीं, तो इसी से हाउसिंग प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा होता है। और इसी तरह आप एक डीलर के साथ जब चलते हैं तो आपको डीलर की भी क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा विद द टाइम बीइंग हो जाता है। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स की, तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आप उसमें करते हैं।
कुछ लोग जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं और कुछ लोगों का फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं उन लोगों की जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ इन्वेस्टर जाता है जो बल्क में जो है वो चीज़ें उठाता है या वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के काबिल होता है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तो उसमें जो 90% लोग हैं वो लोग हैं जिनका फोकस जो है अपनी औलाद के लिए अपने बच्चों के लिए जो है एक प्लॉट ख़रीदना होता है ताकि वो वक्त आने पर या रिटायरमेंट के बाद अपने उस प्लॉट को घर की सूरत दे सकें जिसमें वो कंस्ट्रक्शन कर सकें जब उनके पास एक जो है मुनासिब रकम जमा हो जाए। तो ये तबका जो है ये बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि इसने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट भी वो एक गलत जगह पे कर लेता है तो उसे सिवाय पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता, उसकी रकम भी बाउंड हो जाती है और एट द एंड वो जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उसे रिज़ल्ट नहीं मिलता। अब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टर जाते हैं वो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जाते हैं, उन्हें जब एक मुनासिब प्रॉफिट नज़र आता है तो वो उसे सेल करते हैं और अपनी मनी को वो सर्कुलेट करते रहते हैं जिससे उन्हें एक खातर खा रकम जो है वो मिलती रहती है। ये लोग ज़्यादातर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी जहाँ उन्हें एक ऐसी सोसाइटी नज़र आती है जिसमें डेवलपमेंट का काम चल रहा होता है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जबकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो निस्बतन एक सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं जहाँ पे फिल वक्त डेवलपमेंट नहीं हो रही होती लेकिन आने वाले वक्त में वो एक जंप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे 4, 5 या 7 साल बाद यहाँ पे आबादी बनना शुरू हो जाएगी तो तब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको एक अच्छी लोकेशन वाला प्लॉट जो है वो मस्ट रिक्वायर है। आपको कॉर्नर या मेन बुलेवार्ड या फेसिंग पार्क वाला प्लॉट जो है उसे प्रेफर करना चाहिए क्योंकि वो आपके पास एक चेक की सूरत में होता है, आप जब चाहें उसे फौरी सेल कर लेते हैं। जबकि अगर आप कोई जनरल प्लॉट लेते हैं तो उसे सेल करने में थोड़ा वक्त दरकार होता है। अब आपने जो है वो एक सोसाइटी कैसे सिलेक्ट करनी है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए जो है आपको डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है कि डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी कैसी है। वो कैसे चेक करेंगे, वो उनके सबका रिकॉर्ड्स को देखेंगे, वो उनके आप उस टाइम फ्रेम को देखेंगे जिस टाइम फ्रेम में उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और आप चेक करेंगे कि सोसाइटी मस्ट हैव लैंड, सोसाइटी के पास ज़मीन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर उनके पास ज़मीन है तो वो आपको एक ना एक दिन डिलीवर करेंगे लेकिन अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अब आपके साथ आपके एजेंट के साथ जो आपका डीलर है उसके साथ आपको क्लियर कट जो है वो कमीशन की परसेंटेज भी तय करनी चाहिए क्योंकि ये उस डीलर का हक भी है और इस तरह आप बहुत सी पेचीदगियों से बच जाएंगे। पेचीदगियों से मुराद जो डील होने के बाद आपके दरमियान बहस की वजह बन सकता है। तो आपको अपनी जो है चीज़ें वो डीलर के साथ पहले ही फिक्स कर लेनी चाहिए कि कितनी परसेंटेज जो है मैं आपको इस ख़रीदो फरोख्त के बाद देने का पाबंद हूँ ताकि बाद में किसी मज़ीद बदमज़गी से बचा जा सके और क्लाइंट और डीलर के दरमियान एक डील जो है वो अच्छे तरीके से इख्तिताम तक पहुँचे। हाँ, और एक और बात कि आप अपनी जो है प्रॉपर्टी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप मिनिमम डीलर्स को अपनी प्रॉपर्टी दें। आई वुड से मैक्सिमम 2 डीलर्स को आप दे दें। चलें अगर आपको किसी एक डीलर पर ट्रस्ट नहीं तो आप 2 या मैक्सिमम 3 डीलर्स को आप अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी ज़्यादा डीलर्स को देंगे तो उससे आपकी प्रॉपर्टी ख़राब होगी, वो सही तरीके से जो है वो सेल नहीं होगी, उसका रेट भी मार्केट में ख़राब होगा और आपकी प्रॉपर्टी भी जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स अक्सर उसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी गंदी हो जाएगी। और आखिर में एक बात मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं।
तो मुझ जैसे बहुत से लोग जो प्रॉपर्टी की फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते, प्रॉपर्टी की समझ बूझ नहीं रखते, वो लोग जो हैं दे विल ऑलवेज़ गो टू रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। तो इसी तरह मैंने भी प्रॉपर्टी की फील्ड से पहले यही किया। मैंने भी प्रॉपर्टी की जब मुझे समझ नहीं थी तो मैं रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ गया था। तो मैंने रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट की, हालांकि मेरे पास रकम भी मौजूद थी एंड आई कुड इन्वेस्ट इन द कमर्शियल प्रॉपर्टी एज़ वेल, बट आई वॉज़न्ट हैविंग एनी सेंस टू प्रॉपर्टी हाउ आई शुड इन्वेस्ट। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि आपके पास रकम भी पड़ी है फिर भी आप जो है रेजिडेंशियल की एक से ज़्यादा फाइल्स उठा लेते हैं। लेट सपोज़ कि आपके पास 15-20 लाख की रकम मौजूद है जिससे आप एक कमर्शियल प्रोजेक्ट की डाउन पेमेंट जो है वो पे कर सकते हैं, बट स्टिल यू गो टू रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। आप बल्क में कह लें कि 4 या 5 या 6 फाइल्स उठा लेते हैं, लेकिन अगर आप एट द एंड कंपेयर करेंगे तो आपको वो डबल ट्रिपल जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है कमर्शियल में एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि कमर्शियल की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत जल्द जंप करती है रेजिडेंशियल के मुकाबले में। तो हाँ, इस चीज़ को आपने खुद समझना है कि ये कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो सेफ़ है, सिक्योर है, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट को कोई ख़तरा नहीं है। अगर आपको इस बात की समझ है तो आपको आई मस्ट रिकमेंड कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, ना कि रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो अगर आप लाहौर में किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से मेरी राय लेना चाहते हैं या मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वीडियो पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएंगी और हकायक पर मबनी मालूमात भी फराहम की जाएंगी, और बुकिंग के हवाले से भी अगर आप मालूमात चाहते हैं या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की बुकिंग चाहते हैं तो आप वीडियो पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि इससे जो है हमारी इनक्रेजमेंट होती है। वीडियो बनाने के का मकसद यही होता है कि आपको हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करें, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें तो इससे जो है हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।